नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा और मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लर्न एनीथिंग यू वांट। और आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं। ये वीडियो है इंडिया के 10 उन लोगों के बारे में जो बहुत बड़ी बड़ी बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज है उसके CEO हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जरूर चेक करना एक बार। और इस वीडियो को हम देखते हैं और देखने के, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है, लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीज़ों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है। हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है, और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 CEOs की जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता के राह पर चलाया है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं सुंदर पिचाई। दरअसल टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है। हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी, जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री IIT खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और फिर पेंसिल्वेनिया के ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी MBA की भी डिग्री हासिल की, और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसी एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया। हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफ़ी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर CEO तक का सफर तय किया, और इस तरह से पिचाई अब गूगल की पैरेंटल कंपनी गूगल अल्फाबेट के CEO हैं। और आज गूगल जो भी है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला। दरअसल सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला ही सामने खड़े हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे CEO हैं, जहां इन्होंने बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के CEO की कुर्सी संभाली, और वे CEO पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है, और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजैंग, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों, इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। और दोस्तों, शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और CEO हैं, और इन्होंने वैसे तो यह कंपनी 1998 में ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद यह उस कंपनी के CEO की पोजीशन पर खड़े हो गए। और दोस्तों, तब से लेकर अब तक वह बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैरॉन्स मैगजीन के अनुसार बेस्ट CEO की लिस्ट में शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों, इनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं राजीव सूरी। दरअसल जिस नोकिया फ़ोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे ज़्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूरी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि जब राजीव इस कंपनी के साथ जुड़े थे तब नोकिया की सेल्स बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी, लेकिन राजीव सूरी ने CEO का पदभार संभालने के बाद से न सिर्फ सेल्स का ग्राफ ऊपर किया बल्कि वह नोकिया को पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, उनकी कोशिशों को ही देखते हुए उन्हें 2016 में फिनलैंड के
बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर इसी तरह से लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी इंदिरा नोई, जिन्हें की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी जगह दिया जा चुका है। दरअसल इंदिरा नोई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से MBA और फिर लास्ट में येले यूनिवर्सिटी से अपनी MS की भी डिग्री ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और दोस्तों इसी तरह से अरविंद कृष्ण आज की हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर हैं। दरअसल IIT कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से PhD की डिग्री हासिल की और अब वह IBM कंपनी के CEO के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों सातवें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और मास्टर कार्ड के CEO के तौर पर अपॉइंट किए गए अजय पाल सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। अजय वैसे तो पुणे में जन्मे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी MBA की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया और पेप्सिको जैसी कंपनी में काम करने के बाद अब वह मास्टर कार्ड के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो में आठवें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वह सैंडिस्क कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं और वहां रहते हुए इन्होंने 2011 से 2016 तक प्रेसिडेंट और CEO के तौर पर भी काम किया है। और दोस्तों UP के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स पाए हैं वो काबिले तारीफ है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम नौवें नंबर पर हैं, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के CEO के पद पर भी काम करते हैं और इन्हें 2015 में फॉर्च्यून के 40 अंडर 40 लिस्ट में 7th पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाल। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ और फिर आगे चलकर वह अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO और प्रेसिडेंट के पद पर काम करने लगी। दरअसल अरिस्टा नेटवर्क्स दुनिया की काफ़ी जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी में गिनी जाती है। तो दोस्तों यह थे भारत के वो लोग जो कि पूरी दुनिया में ही अपना हुनर दिखा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको भी इनके बारे में जानकर काफ़ी मज़ा आया होगा। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल लाइव हिंदू को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। यह वीडियो होती है खत्म। तो ये थी वीडियो जिसमें कि बताया गया 10 ऐसे इंडियन जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज के CEO हैं। अच्छा लगा देख के कि हमारे इंडियंस इतने आगे इतने ऊपर के लेवल पे हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा लगा, एक मतलब प्राउड फील हुआ कि हम इंडियंस को लोग हमेशा छोटा सोचते हैं इंडियंस क्या कर सकते हैं, इंडियंस भूखे नंगे गरीब होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत आगे हैं, बहुत लोगों से और बहुत देशों से बहुत आगे हैं। हम ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं कि हम प्राउड इंडियंस हैं, हम इंडिया पे सही में बहुत प्राउड करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इनकी वीडियो को आप जरूर एक बार लाइक करना और इनके चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दूंगा, इस वीडियो को जरूर देख लेना। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उस पर लाइक करना, अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बिल्कुल, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।